तो अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक टिप देने वाला हूं जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्वागत है दोस्तों आपका शेयर मार्केट का ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली ग्रो ऐप पर दिखा रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप चाहे तो जिस भी ऐप के साथ जुड़े हैं वहाँ पर आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा मार्केट में एक म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप बोल के, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल में, देखिए इस म्यूचुअल फंड का नाम है निपॉन स्मॉल कैप फंड। ये रहा, ये फंड जो है ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर इस फंड में काफ़ी पैसा आता है और इस फंड का AUM साइज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे देखिए 45,000 करोड़ रुपये का AUM साइज है। ये फंड किसी भी इंडेक्स फंड से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है और पिछले सालों में इस फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। बात करें यहाँ पर 3 साल के रिटर्न की या फिर 5 साल के रिटर्न की, जो CAGR है वो 30% या फिर 27% या फिर 35% के आसपास है। और जब से ये मार्केट में आया है तब से लेकर अभी तक 26.89% का यहाँ पर रिटर्न दिखा है। तो कई लोग यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा दे रहे होंगे सोच के कि ये म्यूचुअल फंड आगे भी अच्छा काम करेगा और मुझे फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप किसी एक इंडस्ट्री को टारगेट करके चल रहे हैं, सबसे पहले तो आप जान लीजिए आप स्मॉल कैप इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं। जब आप स्मॉल कैप इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ पार्टिकुलरली एक म्यूचुअल फंड को टारगेट करने से क्या मतलब बनता है? यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स तो आपको शुरुआत में ही बता देते हैं, यहाँ पर फ्यूचर रिटर्न्स पास्ट रिटर्न को देख कर आप मत एक्सपेक्ट करिए। फ्यूचर रिटर्न्स हर समय वेरिएबल हो सकते हैं एज पर मार्केट कंडीशंस, ऐसा तो आपको हर एक म्यूचुअल फंड बता देता है। लेकिन कोई भी म्यूचुअल फंड ये नहीं बताता कि आप जब एक स्मॉल कैप इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं तो आप सिर्फ मेरे ही फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मार्केट में जितने फंड्स चल रहे उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते, ऐसा कोई नहीं बताता। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, आप मल्टीपल फंड्स का इस्तेमाल करिए जो कि स्मॉल कैप को ट्रैक करते हैं। मानता हूँ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस कैटेगरी में, लेकिन इसके अलावा भी और भी स्मॉल कैप फंड है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सिंपली आप सर्च करिए स्मॉल कैप फंड लिखकर, देखिए यहाँ पर ऊपर में एक पूरा कैटेगरी आ गया स्मॉल कैप फंड का, इस पर क्लिक करिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास लिस्ट शो होने लग जाएगा स्मॉल कैप फंड्स का। यहाँ पर देखिए क्वांट का है, निपॉन का है, टाटा का है, कैनरा का है, ICICI, एक्सिस, SBI, इसके अलावा नीचे में कोटक, महिंद्रा और ग्रो का भी एक निफ्टी का स्मॉल कैप फंड है। तो यहाँ पर देखिए 3 साल का एवरेज देखिए 41% क्वांट का और 35% निपॉन इंडिया का, टाटा का 32%, कैनरा का 31, ऐसे ही करके बाकी म्यूचुअल फंड्स का भी रिटर्न है। अब देखिए मान लेते हैं अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते तो आपको तो फ़ायदा हो जाता निपॉन से भी ज़्यादा, जैसे देख पा रहे कहाँ 41 और कहाँ 35, आपको तो फ़ायदा हो जाता। लेकिन मान लेते हैं अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते या SBI स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते तो आपका 3 ईयर का CAGR बस 26% या फिर 27% होता, तो इस केस में आपको घाटा हो जाता। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कोई भी फ्यूचर रिटर्न को एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आज के समय में हो सकता है निपॉन इंडिया और क्वांट स्मॉल कैप आपको ज़्यादा दिख रहे, लेकिन कल के डेट में हो सकता है ये स्मॉल कैप और ये स्मॉल कैप नीचे के लिस्ट में भी आ सकते हैं। तो इसलिए जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को इस्तेमाल करिए। यहाँ पर मान लेते हैं आप 5,000 रुपये SIP करते हैं और या फिर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस 5,000 रुपये को या फिर 10,000 रुपये को डिवाइड कर लीजिए 5-6 भागों में। जैसे जिस म्यूचुअल फंड को आप टारगेट करके चल रहे उस म्यूचुअल फंड के हिसाब से उस पैसे को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद हर एक फंड में पैसा अपना इन्वेस्ट करिए। ऐसा कहने से आप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप के, और स्मॉल कैप इंडस्ट्री में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो रिटर्न है वो एवरेज आउट हो जाएगा। यहाँ पर जिस फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे उस फंड का जो रिटर्न है वो एवरेज होके आपको इंडस्ट्री का एवरेज रिटर्न मिलेगा, और इंडस्ट्री का एवरेज रिटर्न थोड़ा सा सेफ होता है और थोड़ा सा बेहतर होता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब जैसे देखिए 5 ईयर अगर कहता हूँ तो इस केस में भी देखिए क्वांट स्मॉल कैप आपको 37% रिटर्न दिखा रहा है और निपॉन इंडिया 30% दिखा रहा है। और इसके अलावा जो मिनिमम रिटर्न है कोटक का जो कि 5 सालों से है मार्केट में उसमें 27% और SBI में 25% दिख रहा है।
तो जब आप एवरेज करके अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो मिनिमम आपको 28% का तो रिटर्न दिख ही जाएगा। ये मैं एकदम कम हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन रहता है, जिस हिसाब से आप पैसा लगाएंगे अलग अलग म्यूचुअल फंड में उस हिसाब से आपका एवरेज आउट होगा। तो आप इस तरीके को ज़रूर इस्तेमाल करिए स्मॉल कैप फंड में खासकर, और या फिर अदर म्यूचुअल फंड्स में भी इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रिटर्न को एवरेज आउट कर सकते हैं। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, इक्विटी फंड में अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से आपका रिटर्न निकलता है। मान लेते हैं अगर आगे चल के मार्केट डाउन हो जाता है तो इस केस में चाहे आप इसमें पैसा लगाए, चाहे इसमें पैसा लगाए, चाहे इसमें पैसा लगाए, आपका पैसा माइनस में दिखेगा। तो आप जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको निपॉन इंडिया लमसम करने के लिए नहीं दे रहा तो आपको अदर फंड्स लमसम करने के लिए दे सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने को ऑप्शन दे रहा है, कैनल रोबेको भी वन टाइम का इन्वेस्टमेंट दे रहा है, एक्सिस भी दे रहा है, ICICI भी दे रहा है, और नहीं ICICI यहाँ पर नहीं दे रहा है, यहाँ पर इन्होंने ब्लॉक करके रखा, और कोटेक भी दे रहा है, इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ भी दे रहा है, और बाकी जितने फंड्स हैं कुछ अपना ब्लॉक करके रखे, कुछ दे रहे हैं आपको इन्वेस्ट करने का मौका।